नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M50 15। दोस्तों M15 5G, दोस्तों या तो आप इसे M15 बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो F15। ऐसा क्यों बोल सकते हो, अगर आपको पता है तो आप समझ चुके होंगे, और आपको नहीं पता है तो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों अगर आप F15 लेते हो या फिर M15 लेते हो तो आपको सिर्फ बैक पैनल में ही चेंजेस होकर मिलेगा, बाकी सारा फ़ोन एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे की बात आगे वीडियो में करते हैं। पहले मैं करता हूँ इस बॉक्स को अनबॉक्स और आपको दिखाता हूँ कि हमें किस तरह का डिवाइस मिलता है और हमें क्या क्या इस बॉक्स में देखने को मिलता है। तो दोस्तों जी है सैमसंग का M15 5G, जो दोस्तों हमें मिलता है अमेजन के ऊपर या फिर इसे आप अपने सैमसंग स्टोर से या अपनी लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। बट इसका जो जैसे हमें फ्लिपकार्ट पे मिलता है उसी टाइप से दोस्तों हमें एम सीरीज़ के जो फ़ोन होते हैं वो मिलते हैं अमेजन के ऊपर। तो चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन। और दोस्तों इसका है मेरे पास, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 GB और 128 GB वाला वेरिएंट, क्रिस्टल ब्लू कलर का कुछ नाम इस तरीके से है इसका। यानी दोस्तों ये जो कलर है वो है दोस्तों आसमानी ब्लू। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। एक जी कवर मिलता है दोस्तों हमें, जिसके अंदर दोस्तों आपको ये पिन लगी मिलती है और एक मिलती है इसमें टाइप सी केबल, चाहे दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमें नहीं मिलता और ना ही कोई कवर देखने को मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस फ़ोन में ना तो आपको कोई कवर मिलता है, ना ही कोई डिस्प्ले के ऊपर कोई फ्रेम या जो टेम्प स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो लगा देखने को मिलता है। तो आपको जब ये फ़ोन ऑर्डर करो तो आपको एक कवर और टेम्पर ग्लास साथ में ऑर्डर कर देना, जिससे आपका फ़ोन एकदम सेफ रहे यूज करते टाइम। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर, इस वाले के अंदर सिर्फ हमें केबल मिलती है, एक पिन मिलती है, सिम इजेक्टर टूल, बाकी कुछ नहीं मिलता। तो चलिए फ़ोन को दिखाता हूँ मैं। फ़ोन दोस्तों मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा था, इस वजह से ये ऑन है। तो पहले मैं फ़ोन का ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये इस तरह की डिज़ाइन इसमें मिलती है, आपको इसके अंदर एक टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, जो दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और सैमसंग दोस्तों यहाँ पर बैजिंग दी गई है। दोस्तों इसमें आपको 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों ये मेन कैमरा है वो दोस्तों 50 मेगापिक्सल का, और दूसरा कैमरा दोस्तों दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, और तीसरा कैमरा है दोस्तों इसमें 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों आप मान के चलो इसके अंदर आपको 2 ही कैमरे देखने को मिलते हैं, या फिर मान के चलो दोस्तों आपको इसमें एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो होता है वही काम का कैमरा है, बाकी 2 सेंसर जो हैं वो सिर्फ नाम के लिए डाल दिए गए हैं इसमें, वो कोई काम के नहीं है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ यहाँ पे तो देखिए इसमें आपको मिलता है दोस्तों इस तरीके से बाटर ड्रॉप नोट के साथ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो इसमें आपको कोई 32 का या 16 का कैमरा नहीं मिलता, आपको मिलता है इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और इसकी आप ध्यान दे सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे बेजल दिए गए हैं। बट अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर दोस्तों आपको मिलती है सुपर एमोलेड पैनल की डिस्प्ले, जो कि स्क्रीन साइज आपका इस फोन में दोस्तों जो साइज़ दिया गया है वो है 6.5 इंच का। तो काफ़ी अच्छा साइज होता है ये 6.5 इंच, ना तो बड़ा होता है ना ही छोटा होता है, काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है हाथ के अंदर। अब दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस फोन के कैमरे की, जो तो मैं आपको बता दिया, ट्रिपल कैमरा मिलता है बैक में और एक कैमरा मिलता है दोस्तों आपको बॉर्डर ड्रॉप नॉच के अंदर 13 मेगापिक्सल का कैमरा। अब दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 इंच की इसमें आपको मिलती है एक एमोलेड डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। पहले दोस्तों इसमें आपको मोटे मोटे बेजल देखने को मिल जाते हैं चारों तरफ। इसमें दोस्तों आपको प्रोटेक्शन की बात की जाए तो कौन सी प्रोटेक्शन है जो मैं अभी नहीं पता, क्योंकि बैक में दोस्तों दिया गया है ये प्लास्टिक का बैक, तो इसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती। और फ्रंट में शायद आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। इसमें आपको जो पावर बटन है इसी के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। तो एमोलेड डिस्प्ले तो है बट डिस्प्ले के अंदर दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट का स्कैनर देखने को नहीं मिलता, आपको साइड में मिलेगा, क्योंकि इसकी प्राइस दोस्तों काफ़ी कम है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो ये फ़ोन चार्ज सपोर्ट करता है दोस्तों 25 वाट के चार्जर को, बट बॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलता, आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसके अंदर बैटरी दोस्तों दी गई है 6000 mAh की, जो दोस्तों काफ़ी बड़ी है, आपको 2 दिन का बैकअप आसानी से मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड दोस्तों थोड़ी स्लो है, बट एक बार चार्ज कर लिया तो 2 दिन तक आपको फिर जो फ़ोन चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो बैटरी के मामले में काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अगर आप एक सेकेंडरी तौर पर एक फ़ोन लेना चाहते हो
या आप अपने घर में किसी को देना चाहते हो तो ये फ़ोन बेझिझक होकर ले सकते हो। बैटरी की तरफ से और डिस्प्ले की तरफ से कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, और कैमरा क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है डायमेंसिटी का 6100, यानी दोस्तों 6100 प्रोसेसर दिया गया है डायमेंसिटी की तरफ से, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। आप इसके अंदर कोई गेमिंग वगैरह करते हो तो गेमिंग भी कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि जब आप अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हो, हल्की फुल्की गेमिंग के लिए भी, तो आपको इसका 6GB वाला वेरियंट लेना है, ना कि 4GB वाला। और मेरे पास दोस्तों 6GB वाला ही है, क्योंकि अगर मुझे कोई गेमिंग वगैरह करनी होगी तो मैं आसानी से इसमें कर सकता हूँ। 4GB वाला अगर आप लेते हो तो वो थोड़ा सस्ता आएगा, बट वो थोड़ा लैग कर भी सकता है, हैंग भी हो सकता है। तो 6GB वाला आप ले कर चलें, ना तो आपको 8GB वाला कोई बड़ा फ़ोन लेना है हैवी, और ना ही 4GB वाला सस्ता, आपको लेना है मीडियम वाला 6GB 128GB वाला वेरियंट, जो दोस्तों काफ़ी प्राइस के हिसाब से अच्छा है। तो ये इस फ़ोन के अंदर जी कुछ जो आपको मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दोस्तों ये वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि मैं इस तरह के फ़ोन लाता रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों आपकी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी तो अच्छा लगेगा। तो ये कुछ था दोस्तों इस फ़ोन के अंदर। डिस्प्ले की बात हो गई, बैटरी की बात हो गई, प्रोसेसर की बात हो गई, दोस्तों कैमरे की बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं इस साइड फ्रेम की। तो इसमें आपको मिलता है एक प्लास्टिक का फ्रेम, पर दोस्तों देखने में फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगता है पीछे से। अगर आप पीछे से कोई आपके फ़ोन को देखता है तो कोई बता नहीं पाएगा कि आपके पास कौन सी सीरीज का फ़ोन है, एम सीरीज का है, ए सीरीज का है, या दोस्तों फ्लैगशिप एस सीरीज का है, क्योंकि सारी जो डिज़ाइन होती हैं सैमसंग के फ़ोनों में वो पीछे से सेम होती हैं कैमरे की। तो पीछे से दोस्तों कोई भी नहीं बता सकता कि आपके पास किस रेंज का फ़ोन है। हाँ, कोई आगे से देखेगा तब आपको पता, कोई बता देगा कि ये सस्ता फ़ोन है, बट पीछे से कोई भी नहीं बता सकता, काफ़ी अच्छा लगता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको F15 और M15 में क्या डिफरेंस है। दोस्तों चाहे तो आप F15 ले लो जो आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा, या आप M15 ले लो इस तरह जो आपको अमेजन पर मिलेगा, बट दोस्तों सिर्फ फ़र्क है तो पीछे का गिलास का। उसमें आपको एकदम क्लीन गिलास मिलता है F15 में, और इसमें दोस्तों आपको थोड़ा टेक्सचर दे दिया गया है। बाकी सारा जो फ़ोन है सेम है, कैमरे को ले लो, बैटरी को ले लो, डिस्प्ले को ले लो, चाहे कुछ भी देख लो, एकदम सेम दोनों फ़ोन एकदम सेम है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए उन्होंने नाम चेंज कर दिए हैं बस। और अगर आपको M15 नहीं मिलता बट आपको F15 मिल रहा है अच्छी प्राइस में, तो आप F15 ले सकते हो। मैं आपसे बोलूँगा कि आप दोनों फ़ोन चेक करो, F15 और M15, जो भी आपको सस्ते दामों में मिल रहा है आप उसको उठा लो। आप जब सोचो कि M15 अच्छा फ़ोन है बट वो थोड़ा महंगा है, तो मैं M15 थोड़ा महंगा ले लूँ, आप F15 ले लो अगर सस्ता मिल रहा है तो, क्योंकि सारे जो फीचर्स हैं वो दोनों सेम दिए गए हैं, दोनों फ़ोनों में एकदम सेम है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये जो फ़ोन है ये अभी सेल में दोस्तों अमेजन पर आपको मिल रहा है, इसका 6GB 128GB वाला वेरियंट इसका जो है वो दोस्तों 14,500 का। बट अगर आप कॉपर वगैरह लगा के लेते हो तो आपको 13,500 तक का आराम से मिल जाएगा। और दोस्तों 13,500 में 6128 काफ़ी अच्छी डील है। आप 4GB वाला मत लेना, क्योंकि एक बार आपके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे, बट आपको एक अच्छा फ़ोन मिलेगा। और अगर आप सस्ते चक्कर में पड़ जाओगे तो आप बाद में पछताओगे, क्योंकि वो थोड़ा हैंग करता है 4GB वाला इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक से जरूर करें, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।